अब हमने ट्रिक करना तो सीख लिया, पर दो तीन चीजें हैं जो अभी क्लियर करना बाकी है। एक तो ये कि जो हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया कार्ड्स का, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरा ये कि शफलिंग से हमारी ट्रिक पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। और तीसरा ये कि दो पत्तों को टर्न करने से हमारी ट्रिक पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि हमने वो जो स्पेशल अरेंजमेंट किया था वो क्यों किया। हमने ट्रिक के आखिरी पार्ट में कार्ड्स को दो ढेरियों में बांट दिया था, और ऐसा करते हुए एक कार्ड एक ढेरी में और उससे अगला कार्ड दूसरी ढेरी में गया था। अब हम अगर आखिरी की दो ढेरियों को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि पहली ढेरी में सारे इक्के फेस डाउन हैं और ऑर्डिनरी कार्ड्स यानी कि जो इक्के नहीं हैं वो फेस अप हैं, और दूसरी ढेरी में इसका एकदम उलट, और यानी कि ऑर्डिनरी कार्ड सारे फेस डाउन हैं और इक्के सारे फेस अप हैं। तभी तो हम एक ढेरी को सिलेक्ट करके जब दूसरी पे रखते हैं तो सारे इक्के फेस अप हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरी में ये पोजीशन लाने के लिए हमें चारों केसेस को कैसे अरेंज करना है। अब इस पेयर में से पहला कार्ड पहली ढेरी में जाएगा और दूसरा कार्ड दूसरी ढेरी में जाएगा। और जैसा कि हमने देखा था कि पहली ढेरी में ऑर्डिनरी कार्ड्स फेस अप रहते हैं, तो ये ऑर्डिनरी कार्ड है तो ये फेस अप रहेगा, और ये कार्ड दूसरी ढेरी में जाएगा जिसमें कि ऑर्डिनरी कार्ड फेस डाउन रहते हैं, तो इसका अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। अभी देखते हैं कि पहला कार्ड स्पेशल और दूसरा कार्ड ऑर्डिनरी हो तो क्या करना है। इन दोनों में से ये कार्ड पहली ढेरी में और ये दूसरी ढेरी में। पहली ढेरी में चूंकि इक्के सारे बंद हैं तो इसको बंद होना पड़ेगा, और दूसरी ढेरी में ऑर्डिनरी कार्ड सारे बंद हैं तो इसको भी बंद होना पड़ेगा, और ये ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला कार्ड ऑर्डिनरी है और दूसरा कार्ड स्पेशल है तो क्या करना है। तो इस केस में ये पहली में जाएगा तो ये दूसरी में जाएगा। पहली में क्योंकि ऑर्डिनरी कार्ड खुले हुए हैं तो ये खुला रहेगा, और दूसरी में इक्के खुले हुए हैं तो ये भी खुला रहेगा, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही फोर्थ केस में ये पहली में ये दूसरी में, लेकिन पहली ढेरी में इक्के बंद हैं तो ये बंद हो जाएगा, और दूसरी ढेरी में इक्के खुले हैं तो ये खुला ही रहेगा। तो हमने देखा कि चारों केसेस यानी कि हमारे पैर में इक्के हैं या नहीं हैं इसके बेस पे उनको अरेंज कैसे करना है। बस ये ध्यान में रखना है कि दूसरी ढेरी में जो पत्ता जाए अगर वो इक्का है तो उसको खोल दें, और अगर ऑर्डिनरी कार्ड है तो उसको बंद कर दें, एंड वाइस वर्सा। तो अब स्पेशल अरेंजमेंट को तो हम समझ गए हैं, अब हम देखते हैं कि शफलिंग से हमारे ट्रिक पे असर क्यों नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए मैंने चार पत्ते लिए हैं, और अगर मैं इन पत्तों को एक एक करके दो ढेरियों में बांट दूंगा तो आप देखेंगे कि इक्का और तिग्गी एक ढेरी में और दुग्गी और चौगी दूसरी ढेरी में है। चलिए एक बार फिर से शफल करने के बाद इसको ट्राई करते हैं। अगर मैं दो पत्ते उठा के नीचे रख रहा हूं और फिर से ढेरी में बांट रहा हूं तो देखिए फिर से इक्का और तिग्गी सेम ढेरी में और दुग्गी और चौगी सेम ढेरी में है। अगर मैं शफल करते टाइम इवन नंबर ऑफ कार्ड्स को ऊपर से उठा के नीचे रख रहा हूं तो ये तो क्लियर है कि जो कार्ड्स पहले इवन नंबर पे थे वो अब भी इवन नंबर पे हैं, और जो ऑड पे थे वो ऑड पे ही हैं, और इसका ये भी मतलब है कि वो आखिर में सेम ही ढेरी में जाके जमा होंगे। सवाल ये उठता है कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ कार्ड्स को शफल कर रहा हूं तो भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसको करने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कार्ड को नीचे रख देते हैं, तो अब ये कार्ड पहले इवन पोजीशन पे था, दूसरे नंबर पे था, अब ये सबसे पहला कार्ड यानी कि ऑड पोजीशन पे हो गया है। चलिए अब ढेरी बनाएं तो हम फिर से देखेंगे कि इक्के और तिग्गी अब भी सेम ढेरी में और दुग्गी चौगी अब भी सेम ढेरी में है, पर एक फर्क ये पड़ा है कि जो ढेरी पहले ऑड नंबर ऑफ कार्ड्स की इधर बन रही थी वो पूरी की पूरी शिफ्ट होके इधर आ गई है, और इवन की ढेरी पूरी शिफ्ट होके इधर आ गई है, लेकिन जो पत्ते पहले साथ थे वो अब भी साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस शफलिंग से कार्ड्स का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। जो अल्टरनेट कार्ड्स हैं वो सेम ढेरी में जाएंगे, ये सेम ढेरी में जाएंगे, और अगर मैं शफल कर भी लूंगा तो भी इनका रिलेटिव ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये अब भी अल्टरनेट कार्ड्स हैं, चाहे मैं इवन नंबर ऑफ कार्ड्स को ऊपर से नीचे ले जाऊं या फिर ऑड नंबर ऑफ कार्ड्स को ऊपर से नीचे ले जाऊं। कार्ड्स को बीच में डालने से ये वैलिड नहीं रहेगा, और फिर जो पत्ते साथ एक ढेरी में जाने वाले थे वो बदल जाएंगे। तो इसीलिए हम स्पेशल अरेंजमेंट करने के बाद शफल करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि दो कार्ड्स के बीच में पत्ते ना जाएं। आखिरी चीज जो समझनी बाकी है वो ये कि पत्तों को टर्न करने से भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उसके लिए हम फिर से वो अपने चार केसेस देख लेते हैं। इसको हमने अरेंज करते टाइम दूसरे पत्ते को पलट के रख दिया था। अब देखिए इसको अगर हम पलट भी देंगे तो भी पहला कार्ड ऑर्डिनरी है
और दूसरा कार्ड ऑर्डिनरी फेस डाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी कार्ड के नज़रिए से देखें तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। दोनों कार्ड ऑर्डिनरी हैं, पहला फेस अप दूसरा फेस डाउन। इसको पलट भी दें तो दोनों कार्ड ऑर्डिनरी हैं, पहला फेस अप दूसरा फेस डाउन। दूसरे केस में हमने स्पेशल अरेंजमेंट करते हुए दोनों पत्तों को अपनी जगह पे ही पलट दिया था। और अगर अब इस पेयर को मैं पलट के भी रख दूं तो ये देखिए, ये वाला केस थर्ड केस में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि अभी भी ये चार केसेस में से कोई एक केस रहा है, सेकेंड केस कन्वर्टेड टू थर्ड केस, पर अभी भी रहा तो ये इसी केस में से ही कोई एक। अगर मैं तीसरे केस में देखूं और इसको पलट के रख दूं तो क्या हुआ, पहला कार्ड इक्का हो रहा और दूसरा कार्ड ऑर्डिनरी कार्ड रहा। तो यानी कि ये केस सेकंड केस बन गया है। इन चारों में से अगर कोई भी अरेंजमेंट है हमारे कार्ड्स का तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक अरेंजमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है देन इट्स फाइन। अभी आखिरी केस में हमने पहले पत्ते को टर्न करके अरेंज किया हुआ था। अब अगर इसको हम टर्न कर भी देंगे तो भी देखिए एग्जैक्टली सेम है। पहला पत्ता इक्का है फेस डाउन है, दूसरा पत्ता इक्का है फेस अप है। टर्न कर दिया, पहला पत्ता इक्का है फेस डाउन है, दूसरा पत्ता इक्का है फेस अप है। तो इसको टर्न करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दो दो की जगह हम चार चार भी छः छः भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि टर्न करते हुए कार्ड्स इवन नंबर ऑफ कार्ड्स हों। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी।